हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे आप लोग, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइज, बहुत ही सालों के बाद आप जो है मुझे यूट्यूब पर देख पा रहे हैं, और मैंने ये काम जो है ऑलमोस्ट छोड़ दिए थे। तो अभी जो है हम घूमने आए हैं, तो भाई ने कहा कि एक वीडियो बना दे ताकि हम यादगार के रूप में वीडियो को देखते रहे। तो भाई जो है स्पेशल जो है एक दो दिनों के लिए छुट्टी के लिए घर आए थे, तो हमने थोड़ा घूमने का प्रोग्राम बनाया था। तो घूमने आए थे इधर अपने दीदी के घर, थोड़ा मेहमानदारी भी हो जाएगी और घूमना भी हो जाएगा। तो वहाँ से हमने घूमने का प्लान बनाया कि ऊपर जाते हैं जहाँ टॉप की थोड़ी यहाँ पे ऊंचाई पे अच्छी जगह है, जहाँ पे अच्छी जो है ठंडी ठंडी हवा चल रही है और मौसम भी थोड़ा बादलों वाला हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो कुफर, क्या नाम है इसका, कोफर के थड़ा जिजला से और एक ऊपर हाइट पे जो है एक गांव है। तो आपको मैं यहाँ का ऑलमोस्ट व्यू दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं ये हेरुदाना गांव, जो कि अभी जो है एकदम नीचे हमारे है। तो काफ़ी हाइट पे अभी हम आए हैं और बाइक लेके दोस्तों हम आए हैं। तो वीडियो थोड़ा हमने लेट शुरू किया क्योंकि ऐसा मूड तो था नहीं वीडियो बनाने का, लेकिन फिर भी भाई ने बोला कि चलो बना दे। और सामने आप देख सकते हैं ये बनोर वाली माइन, जो कि मेरी दीदी के घर से ठीक सामने नज़र आती है। तो अभी हम इस पहाड़ से नीचे को जिजला गाँव लगता है वहाँ से आए हैं, और ये कुफर जो है गाँव है, छोटे से घर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों एकदम डिफरेंट यहाँ के पेड़ और अच्छी यहाँ की ठंडी ठंडी जो है हवाएं। और दोस्तों साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर अछुओं, जो कि यहाँ के दोस्तों एकदम फल फ्रूट जो है एकदम डिफरेंट टाइप के होते हैं, जो कि मौसम के हिसाब से होते हैं। गाइस आप देख सकते हैं हम एकदम टॉप वाली जगह पे आए हैं, और सामने आप देख सकते हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ और ऊपर से आती हुई ठंडी ठंडी हवाएं, जो कि अभी मई के महीने में हमें ठंड का एहसास करा रही है। तो चलते हैं बाहर, आप देख सकते हैं हमारे जीजा और भाई जी। कैमरामैन जल्दी फॉलो करो, और आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पे बना है बहुत बड़ा पेयजल का टैंक। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं अपने इस टैंक के ऊपर, जो कि बहुत ही बड़ा टैंक है, आप आइडिया भी लगा सकते हैं। तो काफ़ी यहाँ पे खतरनाक व्यू नीचे को दिखता है, तो कोशिश करेंगे ऊपर जाने की, जो कि हमारे लिए रिस्की हो सकता है, लेकिन हम बड़े सावधानी से इस टैंक के ऊपर चढ़ेंगे। और गाइज कम से कम 40 से 50, और काफ़ी अच्छा लग रहा है, आते हैं धीरे धीरे। के बारे में कैसा महसूस आपको हो रहा है? मैं भी घूमने आया हूँ, मजा आ गया, एकदम फर्स्ट क्लास व्यू है देखने के लिए। और जैसे आप देख सकते हैं बिल्कुल चारों तरफ हरियाली हरियाली है। बाकी आज मौसम थोड़ा वैसा है, मौसम दोस्तों आज थोड़ा बारिश वाला हो गया, अच्छा है। ये हमारे आंच भोज में रुदाना और थड़ा जिजला छोटे छोटे गाँव पड़ते हैं, तो उसके ठीक ऊपर जो है एक गांव पड़ता है जिसका नाम है, क्या नाम है, थड़ा। और जहाँ पे अभी हम हैं ये लोकेशन क्या कुफर है? और ये हमारे भाई साहब आ रहे हैं इधर, ये थोड़ा ठंडी ठंडी देवदार के छांव का आनंद ले रहे थे। तो काफी थके महसूस से लग रहे हैं, काफी स्ट्रगल करके आए हैं। अब हम इनसे कुछ जानना चाहेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं आप यहाँ आके? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ हेलो, काफ़ी तमन्ना इनकी थोड़े ऊंचाई में घूमने की थी। तो पिछले संडे भी आए थे लेकिन इनका आने का कैंसिल हो गया था, तो इस बार हमने बना ही लिया था। तो गाइज मौसम ख़राब हो रहा है तो हम घर के लिए निकल रहे हैं। तो यहाँ पर जो पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं देवदार के पेड़, यहाँ पे इतनी जो है छाया है नीचे, आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कि रात हो गई एकदम। तो देखिए गाइज एकदम अंधेरा, जो कि एक अच्छी पहचान इन देवदार के पेड़ों की छाया की है। देखिए गाइज बड़ा घना जो ये जंगल होता है,
और गाइस जो ये पेड़ देख पा रहे हैं, ये है अखरोट के पेड़ जो कि अभी छोटा साइज है। और यहाँ पे आप ठंडी ठंडी हवाएं देख सकते हैं चली हुई है। तो और गाइस यहाँ पे आप कोफर गांव देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने बाइकें लगाई थी, तो यहाँ से हम बाइक पे जाएंगे जिजला की ओर। और गाइस रोड का हाल आप अभी देख पाएंगे। और गाइस यहाँ पे बहुत ही ख़तरनाक रोड है, तो अगर आप आए तो प्लीज़ ड्राइविंग का विशेष ध्यान रखें। तो देखिए, और ऊपर से बारिश अभी होने लग रही है, तो हो सकता है वीडियो में थोड़ी और काफ़ी दिक्कत होगी। नहीं देखा गाड़ी यहाँ पे हमें आ सकती है स्किड्स को, दोस्तों ये बाइक हो रही है यहाँ पे। तभी हम आ चुके हैं जिजला में, तो अब जाएंगे घर की ओर। ये हमारी सिस्टर और भाभी दीदी, हमारे जीजा, तो चलते हैं फिर। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं रुदाणा के टूरिस्ट वाला एरिया में, जो कि कांडा घाट के नाम से फेमस है, आंध्र भोज में प्रसिद्ध। तो हमारी दीदी भी आ चुकी है पीछे से। तो गाइस यहाँ से आप व्यूज देख सकते हैं, और यहाँ की ऑलरेडी हमने वीडियो भी डाली है, तो उस टाइम ये रोड जो है कच्चा था, तो अब पक्का हो चुका है। और बहुत ही खतरनाक पहाड़ आपको नज़र आ रहे होंगे, निचला ये जो है शिवा रोड, सामने आप भरली गांव देख सकते हैं। और यहाँ से जो अभी हमने घर जाना है इस रोड से, और अब सूरज भी दिखने लग रहा है। तो यहाँ से आप गांव देख सकते हैं नीचे सुनो गांव, और सामने आप व्यू देख पा रहे हैं, यह है जोंसार बाबर का एरिया। और अभी हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे देवदार के पेड़, यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं, काफ़ी अच्छा व्यू। और यहाँ पे साथ में झूला, जो कि आप इस झूले से पहले भी परिचित हैं, हमारा केशव झूल रहा है झूला। कस के पकड़, कस के, हाँ। और काफ़ी अच्छा व्यू, तो देखिए गाइज यहाँ पर भी कितने छोटे छोटे जो देवदार के पेड़, कितने अच्छे लग रहे हैं। तो गाइज देखिए यहाँ पे बहुत ही ठंडी हवा चली है, बहुत तेज, और काफ़ी अच्छा आनंद भी आ रहा है, साथ में ठंड लग रही है, क्योंकि अभी हम बारिश में भीग चुके थे जब ऊपर से नीचे आए थे। तो यहाँ पे बड़ा आनंद लेते हुए पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आग लगी है, जो कि बहुत ही गलत काम है। हरे भरे पेड़ों को सुखा के रख दिया है, एकदम शोभा खराब कर दी गई है। तो पूरा जंगल यहाँ से आग की चपेट में आ चुका है, देखिए गाइज, और बहुत ज़्यादा नुकसान, यहाँ पे पेड़ भी सूख चुके हैं, और साथ में जो जीव जंतु यहाँ पे पाए जाते हैं वो भी, पर यहाँ पे एकदम रेस्ट करते हुए आनंद लेते हुए। साथ में जीजा भी यहाँ पे ब्लॉग शूट करना शुरू कर चुके हैं, और देखिए गाइस कितना खतरनाक व्यू। और इधर आप देख सकते हैं स्विमिंग पूल, जो कि अभी पानी से भरा नहीं है, और आग ने यहाँ का सारा व्यू जो है खराब कर दिया है। और हवा को आप महसूस कर सकते हैं, कितनी तेज यहाँ पे हवा चली है, भाई यहाँ पर काफ़ी खुश नज़र आते हुए। तो यहाँ पे पानी की कमी है गांव में, तो स्विमिंग पूल एकदम खाली है, तो हमारे जीजा जी तो गोता लगा के आ चुके हैं, काफ़ी फ्रेश महसूस कर रहे हैं। तो ये है कंडाधार, तो यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज करते हुए गांव को। और तो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं घर, तो वीडियो को करते हैं समाप्त। और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक करें, कमेंट करें, तो अगर आगे ऐसा मौका मिलता है जाने का तो ज़रूर वीडियो शूट करेंगे। बाय बाय, टाटा।